सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मंगल महादेव बिरला काना मंदिर में, जो कि दिल्ली के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। मैं आपके साथ बलजीत सिंह, मैं दूंगा इस टेंपल की आपको पूरी जानकारी कैसे यहां पे आप आ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैंने रात में जाके शूट किया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात के व्यू बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आप देख रहे हैं। रात में शूट करने के लिए मैं आया हूं, यहां से देख सकते हैं। एंट्री करते ही मुझे बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला, जो मैंने पहला ऐसा कभी व्यू देखा नहीं है। बहुत खूबसूरत लग रहा था सामने से जब मैंने इसको देखा रात का, तो बहुत ही शानदार व्यू, और आप देख ही पा रहे हैं इसको, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी यहाँ की, और हर वक्त शिव के यहाँ पे भजन बजते रहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ रहती है रात के टाइम, और बिल्कुल ऑन रोड पे है ये। बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी लोकेशन भी बहुत शानदार है, और यहाँ पे पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। इजिली आप आके यहाँ पे पार्क कर सकते हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आप आ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इस टेम्पल को बनाया गया है। और दिल्ली के इस शिवाजी मार्ग पर स्थित इस मंदिर का उद्घाटन साल 1994 में शिवरात्रि के दिन किया गया था। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे। यह मंदिर करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। यह भगवान शिव का विशाल काय मूर्ति स्थापित है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। अगर आप NH-8 से गुजरते हैं तो मंदिर के भगवान शिव की मूर्ति दूर से ही नजर आती है। मंदिर में भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी, सीता, श्री राम, राधा कृष्ण और भगवान गणेश जी भी मूर्तियों के भी पूजा की जा सकती है। यह बनी सभी मूर्तियां काफी विशाल और कांस्य धातु की बनी है। यह मंदिर में सुंदर बगीचे भी बने हुए हैं, जो जहां आए भक्तों को शांत वातावरण देने का साथ ही मनमोहक प्रतीत होते हैं। यहां से देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत से इसको एकदम रोन रोड पे बना हुआ है, तो इसकी लोकेशन और भी खूबसूरत लगती है जब आप इसको रोड से देखेंगे। यहां से देख सकते हैं आपको सामने ही रोड दिखेगा जब आप यहां पे ऊपर चढ़ के आएंगे। यहां से देखते हैं, ये है राधा कृष्ण जी की प्रतिमा, सामने ही श्री राम जी को दिखाया गया। अभी मैं इसको सामने से भी दिखाऊंगा इसको। यहां से पहले आप देख सकते हैं कि ये है माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, यहाँ को आपको विजिट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसको टेम्पल को देख के। यहाँ से अभी मैं आपको नज़दीक से राधा कृष्ण और श्री राम जी दर्शन करवाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। सामने ही जब आप यहाँ पे इस टेम्पल में आएंगे, सामने ही प्लेन टू प्लेन जाते ही आपको दिखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप सामने, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। ये है शिवलिंग जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। यहाँ से मैं एक व्यू दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कितने खूबसूरत तरीके से इसको दिखाया गया। ये है हमारे राधा कृष्ण, बहुत ही विशाल मूर्ति है। जब आप सामने खड़े गए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको। बहुत अच्छा हवा चल रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इनको दिखाया गया राधा कृष्ण जी को। और यहां से आप अभी देखेंगे श्री राम जी को और माँ सीता को, देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार व्यू है। आपको जरूर यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। बहुत शानदार टेम्पल लगा मुझे यहाँ पे आ गया। और G4P7+444 एवेन्यू बॉगन विलिया रंगपुरी न्यू दिल्ली में यह स्थित है। और इसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक ये खुला रहता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर इसका दर्शन करने हैं तो रात में आए, रात का व्यू इसका बहुत ही खूबसूरत होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा रात को व्यू देख के। और ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको कोशिश करी है इसको दिखाने की। मुझे लगा कि इस टेम्पल को भी विजिट करना चाहिए और दिखाना चाहिए आपको किस तरह से ये टेम्पल बना हुआ है। आशा करता हूँ मंगल महादेव बिरला कनन मंदिर, जो कि दिल्ली में स्थित है, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, और आपको जरूर इस टेम्पल को विजिट करना चाहिए। तो यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो, गुड बाय।